joy, my love, here it is. Don't be silly again. Don't be stupid again. Hello everyone, I am Medha और आज ग्रामर पार्टिकल में पढ़ेंगे अन और नन. ये होते हैं टॉपिक पार्टिकल होते हैं. टॉपिक मतलब एक सेंटेंस में जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उस टॉपिक के आगे ये लगते हैं. इनका बेसिकली कोई अर्थ नहीं होता, बट ये जिस भी नाउन के आगे लगे होते हैं वो नाउन होता है उस सेंटेंस का टॉपिक. जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो किसकी बात हो रही है? मेरी. किसकी बात हो रही है? मेरी. तो बोलेंगे झौ. झौ मतलब मैं, तो इसके आगे लगा दूंगी मैं नन, झौ नन. ठीक है, तो मतलब यहाँ पता लग रहा है झौनन शब्द से बात किसकी हो रही है? मैं की. झौनन ओसा ये यो, मैं डॉक्टर हूँ. तो इस सेंटेंस में किसकी किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, मतलब किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है? झौ मतलब मैं, मेरे बारे में बात हो रही है. तो इसके आगे हमने लगाया नन. अब इसके बारे में जानते हैं. अटैच टू अ नाउन टू इंडिकेट दैट द नाउन इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ये हमको पता लग गया. अब किस तरह की नन, कौन कौन सी नाउन, ये आपको नाउन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन्स आपको पता होगी. नाउन सच एज आई, मैं के साथ, यू के साथ, नेम के, कोई भी पर्सन का नेम हो, नेम कोई भी प्लेस जगह का नाम हो, थिंग्स दिस दैट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के साथ जो भी नाउन होती है उन सबके साथ अन या नन लगाते हैं. अब ये तो हमको समझ आएगा, बट अन और नन कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, अब ये जानते हैं. वेन वॉवल एट लास्ट ऑफ द नाउन. ठीक है, मतलब किसी नाउन के लास्ट में वॉवल आ रहा हो. तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मैं में झौ लगा है, झौ में ये है ओ, औ है. ठीक है, झौ ये औ क्या है? वॉवल है. तो वॉवल के साथ क्या लगाते हैं? नन लगाते हैं. ठीक है, बॉबल के साथ नन लगाते हैं. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल, अभी आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगी, उसके बाद और सुन लीजिए. तो जैसे मैंने बता दी कि कैसे कौन सा नाउन के बाद का वर्ड होता है, जो लास्ट वर्ड नाउन का जो लास्ट लगा होगा उसमें, ठीक है, जो अक्षर लगा होगा उसको हम देखेंगे कि वो कंसोनेंट है या बॉबल है. अगर वो वॉबल है तो क्या लगेगा? नन. और अगर वो क्या है? When consonant at last of noun, ठीक है, अगर consonant है last में तो लगेगा un. कैसे अब देखते हैं. अब यहाँ पे कितने सारे हैं, मैंने nouns लिख रखे हैं, झौ, इगोत, उम्मा, उइसा, ठीक है, मोना. झौ मतलब मैं, तो इसमें क्या लगा है? ये बॉबल लगा है. ठीक है, लास्ट का जो ये अक्षर है ओ मतलब बॉबल है, तो नन लगा दिया. ठीक है, इगोत, इगोत मतलब दिस. अब इसमें लास्ट में क्या लगा है? ये कॉन्सोनेंट लगा है, कॉन्सोनेंट लगाए तो अन आएगा. ठीक है, इस अन का खुद का कोई ये जो लगा है इसमें, जैसे यहाँ पे तो नन है, ठीक है, तो पढ़ेंगे झौनन. अब यहाँ पे ये अंग लगा है, इसका खुद का कोई साइन, वो इसका खुद का कोई साउंड नहीं है. ठीक है, तो जो लास्ट का जो है, जो भी अक्षर है लास्ट में, ये इसके यहाँ पे आके बोला जाएगा. ठीक है, ई गो सन. ठीक है, सा इगोसन, इगोसन. ठीक है, वैसे ये अकेला जब होगा इगोत पढ़ा जाएगा. अब यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका जो साउंड है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे इगोसन. ठीक है, इगोसन. ऐसे इधर ओम्मा, ओम्मा में लास्ट में कौन सा अक्षर है? आ, जो कि क्या है? बॉबल है. बॉबल है तो नन लगेगा. उइसा, उइसा में भी लास्ट में क्या है? आ. ठीक है, ये बॉबल है, नन लगा है. मोना, ठीक है, इसमें लास्ट में क्या है? आ है, ये भी वॉवल है, तो नन लगा है इसमें. सोनसेंग नेम मतलब टीचर, अध्यापक. अब यहाँ क्या है? माँ. ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ इसके आगे क्या लगा है? अन. ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? ये माँ का साउंड यहाँ पहुँच जाएगा. सोनसेंग नेमन. हाकसेंग, हाकसेंग मतलब विद्यार्थी. ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर लगा अन. ठीक है, हाकसेंगन. अब क्या है ये? ख्योंग झाल. ठीक है, ख्योंग झाल, ख्योंग झाल मतलब क्या होता है? पुलिस. अब ये रा है जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है, ख्योंग झाल. और ये तो इसके आगे क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे लगेगा अन. ठीक है, इसका साउंड यहाँ पहुँच जाएगा, ख्योंग झारन. ठीक है, ख्योंग झारन. अब हम कुछ, हमने दो सेंटेंस यहाँ पे बनाए फुल. अब फुल सेंटेंस में बात करते हैं. थोया शीनन,
वेशा वो नहीं है वो थोयाशी किसी पर्सन का नाम है थोयाशी। यहाँ पे शी में क्या है ये वॉवेल है तो नन लगा है थोयाशी नन थोया जी। हुएशा वोन, हुएशा मोन मतलब होता है कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी में काम करने वाला पर्सन, ठीक है ई एयू। हुएशा वोनी एयू आप कंपनी में काम करते हैं, जो थोयाशी नन है वो कंपनी में काम करते हैं। सोंगसेंग नीमन, सोंगसेंग नीम तो यहाँ ये तो आपको पहले पढ़ चुका है, सोंगसेंग नीमन माँ कॉन्सोनेंट तो अन आए सोंगसेंग नीमन। हांगुक साराम ही एयू कोरियन है, अध्यापक कोरियन है, हांगुक साराम मतलब कोरियन पर्सन, अध्यापक कोरियन पर्सन है। तो यहाँ पे हमने नन लगाया और यहाँ पे अन लगाया है।